नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में इस वक्त की बड़ी खबर राजा भैया को लेकर आ रही है। वही राजा भैया जिन्हें कुंडा का शेर कहा जाता है, जिन्होंने कुंडा को कुंडा बनाया है और कुंडावासी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से वो विधायक बने और कुंडा के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां यूपी में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव के बाद अगर आप देखें तो 2024 में जो है लोकसभा चुनाव है, इसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर जो है मजबूती पेश कर रही हैं। लेकिन राजा भैया को लेकर देखें तो राजा भैया लगातार आज अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं और मेनपुरी में जब डिंपल यादव जीती तो बधाइयां भी दी थी। लेकिन बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि क्या राजा भैया अब गठबंधन करेंगे, क्योंकि खबर यही है। तो इसको समझना होगा कि आने वाला वक्त निकाय चुनाव से पहले अखिलेश को क्या क्या सौगात देगा। देखिए, चंद्रशेखर आजाद आज अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं, वहीं देखा जाए तो यहां पर राजा भैया अखिलेश के गुणगान गा रहे हैं। मायावती भी कहीं ना कहीं गठबंधन का इशारा कर रही हैं। मतलब तमाम छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां जिन्हें हम बोलते हैं, वो आज अखिलेश यादव का साथ देते हुए नजर आ रही हैं। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, वहीं ये कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले राजा भैया कम से कम 20 से 25 सीटों के साथ यहां पर गठबंधन कर सकते हैं और इन सीटों पर मिलकर जो है अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई, यानी कि राजा भैया और योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ राजा भैया के बच्चों को खिलाते हुए नजर आए, योगी आदित्यनाथ राजा भैया के बच्चों के साथ बात करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि राजा भैया तो बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन फिर इसके बाद तस्वीरें सामने आई कि चुनाव मजबूत होता है, चुनाव में कुर्सी का खेल होता है, सत्ता के इस खेल में ना ही प्यार मोहब्बत की बातें चलती हैं और ना ही यहाँ पर मिलना जुलना चलता है, यहाँ पर तो गठबंधन और महागठबंधन चल रहा है। तो यही बात सामने निकल कर आ रही है कि जब 20 और 25 सीटों पर साथ चुनाव लड़ने का जो कयास सामने आ रहा है, तो क्या फिर अखिलेश यादव और राजा भैया अब योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगे। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप लगातार यहां पर यूपी में देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है योगी आदित्यनाथ। वहीं देखा जाए तो राजा भैया भी कई बार कह चुके हैं कि चुनाव के पहले तानाशाही क्यों, चुनाव के पहले राज्य चुनाव आयोग शांत क्यों, चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ क्यों जवाब दे रहे हैं और चुनाव आयोग क्यों शांत है। मतलब देखा जाए तो राजा भैया भी योगी आदित्यनाथ पर कई बार कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर राजा भैया जो बीजेपी के समर्थन में नजर नहीं आ रहे हैं, अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं, तो क्या फिर यहाँ पर जो सीटों की बात चल रही है, 25 सीटें बताई जा रही हैं, इन पर चुनाव लड़ेंगे राजा भैया? क्योंकि मायावती भी गठबंधन की बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद भी गठबंधन की बात कर रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये अभी गठबंधन करेंगी तो आने वाले समय यानी कि 2024 में महागठबंधन करेंगी और महागठबंधन करती हैं तो उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, उस पर एक बड़ी जीत यहां अखिलेश यादव को मिलती नजर आ सकती है। लेकिन आप बताइए, जनता जनार्दन का ओपिनियन पोल सबसे बड़ा माना जाता है कि जिस तरीके से यह कयास लगाया जा रहा है कि 20 से 25 सीटों पर निकाय चुनाव से पहले राजा भैया और अखिलेश यादव जो है साथ आ सकते हैं, क्या लगता है आपको, क्या यहां पर गठबंधन होगा और गठबंधन के बाद क्या महागठबंधन यहां पर अखिलेश यादव और तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां करेंगी? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 News।